विश्व की सबसे ऊंची स्नो मैराथन साल 2024 हिमाचल के जाना बॉर्डर पर हो रही है। हालांकि इससे पहले मैराथन हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में सिसु वैली में होती आई है, लेकिन खराब मौसम के चलते इस बार इस मैराथन का स्थान बदल दिया गया है। लेकिन भारत एक्सप्रेस, जो बतौर मीडिया पार्टनर इस मैराथन का हिस्सा रहा है, इस बार भी इस दुर्गम परिस्थिति में इस मैराथन को और उन परिस्थितियों को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा की ये खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सभी चादर से ढकी स्वर्ग सी सिसु वैली इस बार एक अलग रूप में नजर आ रही है। इस बार मौसम ने ऐसी करवट ली कि सफेद चादर की जगह बर्फ की सफेद दीवार ने यहाँ के स्थानीय निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 12,000 की फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सिसु वैली में हिमस्खलन की वजह से जहाँ अटल टनल बंद कर दी गई है, वहीं 7 से 8 फीट तक बर्फ जम जाने से इस बार स्नो मैराथन का स्थान भी बदलना पड़ा। लिहाजा भारत एक्सप्रेस उस दूसरे स्थान की पड़ताल करने निकल पड़ा है। रास्ता दुर्गम था लेकिन इरादे मजबूत। इस बार मंजिल सिसु वैली की जगह रही जाना बॉर्डर, जो मनाली नगर से ऊपर फेमस पर्यटक स्थल जाना वाटरफॉल के पास रहा। बता दें बारिश और एक दिन पहले हुई लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ता भी इतना आसान नहीं रहा। पिछले 2 सालों से ये स्नो मैराथन लाहौल स्पीति में आयोजित करते जा रहे हैं, लेकिन इस बार मौसम जो है वो इतना फेवरेबल नहीं रहा। स्पीति में जो बर्फबारी हुई और जो मौसम ख़राब हुआ, उसके बाद वहाँ पर बर्फ इतनी कम से कम 7 से 8 फीट तक जम गई। वहाँ पर ट्रैक बनाना इतना आसान नहीं था, लिहाजा यहाँ पर जो है जाना बॉर्डर के पास जो यहाँ पर वाटरफॉल भी एक फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर इस ट्रैक को बनाया गया है। कितना दुर्गम ये ट्रैक है, स्पीति से ज़्यादा आप देख सकते इस तरफ पहाड़ है। और अगर इस तरफ की हम बात करते हैं तो इस तरफ खाई है। साथ ही ट्रैक पे दौड़ने वाले एथलीट्स जो हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो इस बर्फ में, ये जो बर्फ है इसमें अपने पैर जमाए, क्योंकि जरा सा भी वहाँ स्लिप हुआ तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन जो आयोजक हैं उन्होंने प्रॉपर जो है इस बात पर नज़र रखे हैं कि सब सेफ जो है अपनी इस मैराथन को कम्प्लीट करें। आपकी बारी तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। जैसा आपने देखा पिछले 4-5 दिन में लगभग 8 फुट बर्फ है। अटल टनल को लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ईटीवी से भी लोग क्रॉस नहीं कर पाए। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, बीआरओ ट्राई कर रहा है किसी भी तरीके से रास्ता बनाए। 8 फुट बर्फ को काट पाना बहुत मुश्किल है। लास्ट मोमेंट पे हमें ट्रैक यहाँ जाना वाटरफॉल के पास शिफ्ट करना पड़ा। पिछले साल से ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन एक अच्छी बात है, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सब लोगों में इतना एक्साइटमेंट और इतना इंतजाम है, सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया। ट्रैक बदला गया, इतने टफ कंडीशंस हैं, उसके बावजूद सब लोग यहाँ पे ट्रैक पे आके, आप देखिए ज्यादा यहाँ पे स्नो हमें मिली है। बहुत चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में हम ट्रैक बदलने में कामयाब हुए। इधर भारत एक्सप्रेस की टीम दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ रही थी, उधर नेवी के जवान और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एथलीट जी जान से अपनी प्रैक्टिस में जुटे थे। परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हों, हौसला किसी का कम नहीं था। इस दुर्गम रास्ते में स्थानीय निवासी प्यारे लाल और एक पहाड़ी डॉग शेरू ने नए ट्रैक तक पहुंचने में खास भूमिका निभाई। नहीं, ऐसी कुछ खास ट्रेनिंग तो नहीं, रेगुलर वॉक्स पे ले जाते इसे। बाकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाकी स्नो पे तो दौड़ सकता है, लेकिन ओनर की भी रेस है तो ओनर को डिपेंड करता है। ओनर पे डिपेंड करता है बिल्कुल, क्योंकि ओनर को। उधर मैराथन में हिस्सा लेने वाले नेवी के जवान और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एथलीट जी जान से अपनी प्रैक्टिस में जुटे थे। तो वहीं मैराथन दौड़ से पहले इन एथलीट्स की मेडिकल फिटनेस की जांच करने आए डॉक्टर ने स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य की भी जांच की, साथ ही इस तरह की मैराथन में हेल्थ से जुड़े चैलेंजेस भी बताए। 2022 और 23 में होने वाले इस स्नो मैराथन में सबके उत्साह बुलंद थे। जाहिर है कि इस तरह की मैराथन का आयोजन जहाँ देश में पहली बार शुरू किया गया, वहीं इसके पीछे सफेद चादर ओढ़े इस वैली की सुंदरता की और पर्यटकों को खींचना और जागरूक करना भी इस मैराथन के आयोजकों का मकसद रहा है, जिसमें भारत एक्सप्रेस भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता आ रहा है। ऐसे में परिस्थितियां कैसी भी हो, स्नो मैराथन के 3rd एडिशन को करवाने में बढ़ चढ़ कर भागीदारी रही। भारत एक्सप्रेस के लिए हिमाचल से कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा।